आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जो ax plus by plus c शून्य के बराबर के रूप में व्यक्त करा जा सके, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हों और a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो। उदाहरण, 2x और y का योग 4 के बराबर, जहां a 2, b 1 और c -4 के बराबर है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे प्राप्त करें? सबसे आसान विधि है x को शून्य लेना और y का संगत मान प्राप्त करना। इसी प्रकार y को शून्य लेकर x का संगत मान प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, 3x और y का योग 9 के बराबर। जब हम x को शून्य लेते हैं तब हमें y 9 के बराबर मिलता है, और जब हम y को शून्य के बराबर लेते हैं तब हमें x 3 के बराबर मिलता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यह बात हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए हम एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण 2x और 3y का योग 12 के बराबर लेते हैं। जब हम x को 3 के बराबर लेते हैं तो हमें y 2 के बराबर प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम x 0 के बराबर लेते हैं तब हमें y 4 के बराबर प्राप्त होता है। इसी तरह हम x की बदलती हुई संख्या के लिए y का संगत मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम y की अलग अलग संख्या लेते हुए भी x का संगत मान निकाल सकते हैं। अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखन कैसे करते हैं? x और 2y का योग 6 के आलेखन से हम दूसरे सभी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख जान सकते हैं। हमें यह पता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हमें उनमें से कोई भी 4 हल की एक सारणी बनाते हैं और उन बिंदुओं का आलेखन करते हैं। अब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा प्राप्त करते हैं। हमें यह ज्ञात होगा कि अन्य दो बिंदु भी इसी रेखा पर हैं। इसलिए यह रेखा ही इस समीकरण का आलेख है और अन्य दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख भी एक सीधी रेखा है। रैखिक समीकरण जहां a या b शून्य है या एक चर वाला रैखिक समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण, ax और c का गुण शून्य। इस समीकरण में b शून्य है लेकिन यह अभी भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण ही है। इस समीकरण को हम ax, 0y और c का गुण शून्य के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है x बराबर 2। इसमें x का मान हमेशा 2 ही रहेगा लेकिन y का मान बदल सकता है, इसलिए इसका आलेख है एक सीधी रेखा जो कि y अक्ष के समांतर है। इस प्रकार by और c का गुण शून्य समीकरण में a शून्य है और इसका आलेख है एक सीधी रेखा जो कि x अक्ष के समांतर है। अब हम एक समस्या का हल निकालेंगे। समस्या, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्न के अनुसार एक नोटबुक की कीमत x रुपये है और एक कलम की कीमत y रुपये है, और हमें यह भी दिया गया है
कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इसे हम x और y के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। y 2 गुना x के बराबर है।